सालों तक रेखा को जिस तरह से घर तोड़ने वाली महिला बताया गया। और तो और कई ऐसे नाम भी दिए गए हैं जो कि वाकई में बेहद ही अफसोस भरा प्रश्न। रेखा को होम ब्रेकर तक कह दिया गया था और इस तरह की बातों को सहती रही रेखा, लेकिन बॉलीवुड में उन्होंने खुद की हिम्मत को कभी कम नहीं होने दिया। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री में गिने जाने वाली रेखा ने खुद पर लगे हर इल्जाम को नजरअंदाज करते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया, लेकिन इसका सच उन्होंने खोला किस तरह से इंटरव्यू के दौरान। ये जानकर आप हो जाएंगे हैरान कि अमिताभ बच्चन और उनके रिश्ते को लेकर किस तरह की बातें की गई थी, जिस पर वाकई में लोगों को यकीन नहीं हो पाता। एक वक्त उन्होंने कुछ ऐसे लाइन किए थे प्रयोग, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन बाद में उन्होंने कंफर्मेशन दी कि अमिताभ नहीं बल्कि वो लाइनें जया बच्चन के लिए थी, अमिताभ बच्चन की पत्नी के लिए। उन्होंने कहा था, I looked at you, you turned your face away. Why? You feel you are badly off, but can't you see my position is worse? There is deep hurt in your gaze, but can't you see that the wounds in my heart are deeper than you look? बता दें आपको, ये कहते हुए रेखा ने ये बताने की कोशिश की रोते रोते जया बच्चन को कि उनके दिल का दर्द और उनके दिल में लगे जख्म को वाकई में मापना, उसकी गहराई को मापना वाकई में काफी मुश्किल है। जया बच्चन से काफी ज्यादा दुखदायी उनकी जिंदगी है। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।